मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता हूं जो खेले वो खिले, और इस बार के खेलो इंडिया में ढेर सारे तरुण और युवा खिलाड़ी खिल के सामने आए हैं। जनवरी महीने में पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 18 गेम्स में करीब 6000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जब हमारा स्पोर्ट्स का लोकल इकोसिस्टम मजबूत होगा, यानी जब हमारे बेस मजबूत होगा, तभी हमारे युवा देश और दुनिया भर में अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर पाएंगे। जब लोकल लेवल पर खिलाड़ी बेस्ट प्रदर्शन करेगा, तभी वो ग्लोबल लेवल पर भी बेस्ट प्रदर्शन करेगा। इस बार खेलो इंडिया में हर राज्य के खिलाड़ियों ने अपने अपने स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। मेडल जीतने वाले कई खिलाड़ियों का जीवन जबरदस्त प्रेरणा देने वाला है। मुक्केबाजी में युवा खिलाड़ी आकाश गोरखा ने सिल्वर मेडल जीता। मैं पढ़ रहा था, आकाश के पिता रमेश जी पुणे में एक कॉम्प्लेक्स में बतौर वॉचमैन का काम करते हैं। वे अपने परिवार के साथ एक पार्किंग शेड में रहते हैं। वहीं महाराष्ट्र की अंडर-21 महिला कबड्डी टीम की कप्तान सोनाली हेलवी सातारा के रहने वाली है। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था, और उनके भाई और उनकी मां ने सोनाली के हुनर को बढ़ावा दिया। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कबड्डी जैसे खेलों में बेटियों को इतना बढ़ावा नहीं मिलता है। इसके बावजूद सोनाली ने कबड्डी को चुना और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आसनसोल के 10 साल के अभिनव शॉ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता है। कर्नाटक से एक किसान की बेटी अक्षता बासवानी कामती ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने पिता को दिया। उनके पिता बेलगांव में एक किसान है। जब हम इंडिया के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो वो युवा शक्ति के संकल्प का ही तो न्यू इंडिया है। खेलो इंडिया की ये कहानियां बता रही हैं कि न्यू इंडिया के निर्माण में सिर्फ बड़े शहरों के लोगों का योगदान नहीं है, बल्कि छोटे शहरों, गांव, कस्बों से आने वाले युवाओं, बच्चों, यंग स्पोर्टिंग टैलेंट्स, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है।